नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास क्या टूट रही है? क्या उनके 5 सांसदों में से 3 सांसद सच में पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार हो गए हैं? अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं चिराग पासवान। 5 सीटों पर बिहार में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने चुनाव लड़ा और इकलौती ऐसी पार्टी थी बिहार में जिसने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उन सभी सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जीत हुई। बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से इस हवा को जो है एक तरीके से कहें इस पूरे चर्चा को जो है वो बल मिल रहा है, हवा दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो है उनकी पार्टी जो है फिर से टूटने वाली है, कुछ वैसे ही जैसे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके चाचा ने उनकी लोजपा यानी कि उस वक्त संगठित तौर पर लोजपा थी उसके 6 में से 5 सांसदों को तोड़ लिया था या अपने पाले में कर लिया था और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। अब इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है तो लगातार मीटिंग का दौर भी चल रहा है। न्यूज़ फाउंडेशन पर आपने कई खबरें ऐसी देखी हैं, कई वीडियोस देखी हैं और आज भी जब हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं तो चिराग पासवान की मीटिंग चल रही है, उसके पहले देर रात मीटिंग हो चुकी है। तो मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, चाचा भी कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान भी गुस्से में हैं, वो भी इजहार कर रहे हैं कि एक ही काठ की हांडी बार बार जो है वो आग पे नहीं चढ़ाई जाती। हो क्या रहा है? अगर इस बात में कोई दम नहीं है तो फिर धुआं कैसे निकला है? और अगर धुआं है तो सच्चाई क्या है? क्या सच में कोई नाराजगी किसी बात को लेकर के? इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि लोजपा रामविलास या फिर लोजपा की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक से एक बयान आता है, एक खबर आती है कि अचानक से सभी सांसद जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद वहीं से इस हवा को बल मिलता है कि भाई चिराग पासवान की लोजपा जो है वो टूट सकती है, टूट रही है। उस मीटिंग में भले ही चिराग पासवान नहीं थे लेकिन उनके बाकी के 4 सांसद मौजूद थे, पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। क्या सच में ऐसी कोई बात है कि जिसको लेकर कितनी सियासत हो रही है? तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस सभी तो यही कह रहे हैं कि टूट तय है। स्वागत करने वाले स्वागत कर रहे हैं और जो कहें कि पशुपति पारस जो है पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा वीकेंड जो है, पूरा हफ्ता जो है वो मतलब कि रविवार से शुरू हुआ और आज शुक्रवार है, मतलब पूरा हफ्ता जो है इसी बात को लेकर चर्चाएं रहीं, खबरें रहीं कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो टूट रहे हैं। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी जो हैं वो टूट रही हैं, खगड़िया के सांसद जो राजेश वर्मा जो हैं वो टूट रहे हैं, ये खबरें और लगातार आ रही थी। और वैशाली की सांसद जो हैं वीणा देवी वो भी टूटकर जो हैं वो चली जाएंगी, आखिर टूटकर जाएंगी किस साइड? तो BJP के साइड चली जाएंगी। ये खबरें जो हैं वो लगातार चल रही थी और कहीं ना कहीं RJD के तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी। RJD के MLA मुकेश रोशन कह रहे थे कि BJP वाले जो हैं वो तोड़ने में लग गए हैं, खबरें RJD तक पहुंच गई थी। मतलब कि पूरे हफ्ता जो है वो पूरे वीकेंड जो है वो बयानबाजी जो है होती रही। सवाल यह है कि क्या वाकई में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो टूट रही थी या टूटने वाली थी या ऐन वक्त पे चिराग ने मतलब टूटने से बचा लिया? विस्तार से इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे आपको एक एक इनसाइड स्टोरी, आखिर चल क्या रहा है चिराग पासवान की पार्टी के अंदर, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन ये 2 विंडो बाइट सुन लीजिए। एक चिराग पासवान का बयान है जो कि कल पटना एयरपोर्ट पर रात में उन्होंने दिया जब ये सवाल पूछा गया कि सच में आपकी पार्टी टूट रही है तो वो, और दूसरा बाइट पशुपति पारस का है, देखिए किस मुस्कान के साथ जो है वो आप कह सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं। हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये जो सोच है जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं है। कि RJD के विधायक हैं मुकेश रोशन, उनका कहना है कि जो चिराग की पार्टी के 5 सांसद हैं उसमें से 3 सांसद BJP के संपर्क में है, आप इस बयान को कैसे? ये तो आप लोगों को सबको पता है, प्रेस मीडिया के लोगों को, कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति और भविष्य में क्या होने वाला है, ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं, सबको पता, हमसे बेसी जानकारी आप लोगों को है, इसलिए संबंध में हमसे कुछ नहीं बोलवाइए तो बेसी अच्छा होगा। क्या आप मान रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी पार्टी में टूट देखने को मिल सकती है? मैं उस संबंध में कुछ नहीं बोलूँगा और मैंने पहले कह दिया कि हमसे अधिक जानकारी आप लोगों को है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और तो पशुपति पारस कह रहे हैं कि जो है हमसे ज़्यादा तो आपको पता है, मुस्कान के साथ वो कह रहे हैं यानी कि टूट रही है, इस तरह का इशारा उनका था, ठीक है। और आज अरुण भारती का जो है वो बयान आता है और वो RJD पर ठीकरा फोड़ते हैं और उनके मुताबिक
पूरा जो ये कांड जो चला एक हफ्ता उसके पीछे आरजेडी थी। आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव प्लान करवा रहे थे सारी चीज़ों को, अफवाह फैला रहे थे कि जो लोजपा जो है वो टूट रही। थोड़ा सा अरुण भारती जो कि जम्मू के सांसद हैं उनका थोड़े से बाइट का अंश सुन लीजिए। तो ये जो है ना रोहित कि पार्टी टूट, और आज एक और वीडियो दिखा रहे हैं, पैच कर रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि चिराग पासवान बैठे हुए हैं और उनके पार्टी की जो महत्वपूर्ण कोर टीम, आप इसे कह सकते हैं कि लोजपा रामविलास की कोर कमेटी की बैठक जो है वो आज अभी से जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसे थोड़ी देर पहले जो है वो चिराग पासवान के आवास पर हुई है। इस कोर कमेटी में चिराग पासवान के कोई सांसद नहीं है, लेकिन जो बुरे वक्त में जो उनके जो साथ नेता खड़े रहते थे, जिन्होंने पार्टी टूटी फिर पार्टी को फिर से खड़ा किया बनाया, तो वो नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बगल में राजू तिवारी नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ संजय पासवान नज़र आ रहे हैं, हुलास पांडे नज़र आ रहे हैं और वेद पांडे समेत दो चार और नेता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये जो मेन जो हैंड है चिराग पासवान के वो सब साथ नज़र आ रहे हैं। आगामी स्ट्रैटेजी पर जो है वो चर्चा हो रही है आखिर क्या करना है। लेकिन जो जानकारी इस बैठक से हमारे पास आई, चिराग पासवान ने इस बात का भी तस्करा किया है कि आखिर क्यों ये खबरें आई और कहाँ से आई, कौन जो है वो अफवाह फैला रहा है कि हमारी पार्टी के सांसद टूट रहे हैं। पिछली बैठक जो है वो 25 अगस्त को रांची में हुई थी, उस दिन भी चिराग पासवान ने इस चीज़ को क्वालिफाई किया था और बार बार उनकी पार्टी के तीनों सांसद जो हैं, चाहे वो शांभवी चौधरी हों, चाहे वो राजेश वर्मा हों, चाहे बीना देवी हों, वो बयान दे रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इनसाइड ये है कि पार्टी में कोई टूट नहीं है और सवाल है कि अगर ऐसी बात है तो टूट के जाएंगे क्या, बीजेपी में जाएंगे? तो फिर दूसरा सवाल यह कि हो सकता है कि बीजेपी वाले डराने की कोशिश कर रहे हों चिराग को। इसलिए देखिए सभी चीज़ों का वजन जो है वो तब से हुआ कि जब से जो है वो दिलीप जायसवाल मिलते हैं पशुपति पारस से, उसके बाद अमित शाह जो से मुलाकात होती है पशुपति पारस की, और इसी दौरान ये सब चीज़ें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है आरोप लगाया गया है लोजपा रामविलास की तरफ से अफवाह जानबूझ के स्ट्रैटेजी के तहत राजनीति करने के लिए उनकी पार्टी के खिलाफ जो है वो फैलाया गया है कि उनकी पार्टी जो है वो टूट रही है, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी पार्टी जो है वो टूट नहीं रही है। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी, क्या सही में जो कहा जा रहा है लोजपा रामविलास की तरफ से ऐसी कोई बात है क्या, मतलब कि लोजपा रामविलास की तरफ से कहा जा रहा है, खुद चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, अफवाह जो है वो विरोधियों की तरफ से फैलाया जा रहा है। चिराग पासवान की लाइन विरोधी यानी कि आरजेडी, ठीक है? तो वाकई में क्या आरजेडी वाले ऐसा कर रहे थे, क्या जो चिराग कह रहे हैं वही सही है, चिराग कह रहे हैं वही सही बात है? देखिए इनसाइड स्टोरी ये है कि अगर टूटना होता, अगर जाना होता तो इतना अफवाह बाहर तक फैलता ही नहीं है। पिछले बार ये आपको याद होगा कुछ हुआ नहीं तो जाने से अचानक होता है ये काम, अचानक होता है, इस तरीके से नहीं होता है। जो पिछली बार हुआ था, जो मेरे पास जानकारी, जो हमारे सूत्र के हिसाब से जानकारी है, पिछली बार पूरी व्यू रचना जो है ना सब कुछ ठीक है, वो महेश्वर जिस दिन वो पार्टी टूटी थी उसके एक दिन पहले महेश्वर हजार के घर के पर मीटिंग होती है लोजपा के सांसदों की, उससे पहले मतलब कि सारा चीज महेश्वर। चिराग पासवान टूटने के बाद भागे भागे अपने चाचा घर जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं वो, और दरवाजा नहीं खुलता है, चिराग पासवान लौटते हैं, मतलब एक ही मतलब कुछ ही घंटों में सब कुछ हुआ था, इस तरह की कहानी या माहौल नहीं बना कहानी, तो मतलब सब कुछ हो जाता है। कई दौर की बैठक जो है वो महेश्वर हजार के घर पे होती है, चिराग पासवान को न कुछ पता चलता है न आरजेडी वालों को पता चलता है, अचानक टूट जाती है है। तो जो खबरें हैं ऐसी कोई टूट नहीं है, और बार बार जो है वो सांसद भी कह रहे हैं कहीं कोई पार्टी टूटने वाली नहीं है, बस ये है कि माहौल पूरे हफ्ता जो है वो बनाया गया चिराग पासवान के खिलाफ, या आप कह सकते हैं साजिश कह सकते हैं राजनीतिक साजिश रची गई, थोड़ा सा इसमें हवा देने की कोशिश पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से हुई और ज़्यादा हवा जो है वो आरजेडी वालों ने किया, लेकिन पार्टी नहीं टूट रही है। और जो लग रहा है इनसाइड स्टोरी, जो अंदर जो नेता मौजूद हैं, चाहे हुलास पांडे हो, वेद पांडे हो, लगातार हमारी सबसे सब नेताओं से बातचीत हो रही है, सब लोग यही कह रहे हैं कि पार्टी तो टूट रही है, पता नहीं कहाँ से खबर चल रही है। तो इतनी मीटिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की स्थापना दिवस है। देखिए विधानसभा चुनाव आने हैं,
और एनडीए का कुनवा वैसे भी महागठबंधन के कुनवा से बड़ा है। अमित शाह से जब मुलाकात हुई पशुपति पारस से, सीटों को लेकर तो अमित शाह से कोई डायरेक्ट बात होती नहीं है, लेकिन हाँ अमित शाह ने एक बात कही है पशुपति पारस को कि आपको सम्मानजनक सीटें जो है वो विधानसभा में दी जाएगी, और ये जानकारी पशुपति पारस की तरफ से आई है। तो एनडीए का कुनवा बिहार में बहुत बड़ा हुआ, और पशुपति पारस को सम्मानजनक सीटें देने का मतलब है कि कटेगा तो वो पशुपति पारस के हिस्से वाली सीटें ही कटेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, 5 सीटें मिली 5 सीट तो जीत गए, लेकिन अब विधानसभा में सीटें उन्हें ज़्यादा मिले, पावर हाउस की तरह वो दिखें बिहार विधानसभा में, इसके लिए वो उनकी अगली स्ट्रैटेजी ये है कि आगामी 28 नवंबर को जिस दिन लोजपा पार्टी की स्थापना दिवस, उस दिन पटना के गांधी मैदान को भर दिया जाए। इसके लिए ये बैठक जो है ना वो लगातार हो रही है, और ऐसा नहीं कि चिराग पासवान होते हैं तो हो रही है, आप मतलब कि सामने चले जाइए तो कोई 10 नेता 15 नेता उनके कार्यालय में मीटिंग ही कर रहे होते हैं। किसी भी हाल में चिराग पासवान को 28 तारीख को भरना है। देखिए ठीक है, 5 सांसद है, आपको याद होगा इससे पहले जो बड़ी रैली अगर किसी ने की है तो तेजस्वी यादव ने की है, लास्ट रैली उनकी तरफ से हुई थी, जो भीड़ था उस वक्त, हाँ जो था कितना था उस पर हम नहीं आएंगे, भीड़ थी। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि वो जो है वो तेजस्वी यादव के भीड़ को बीट करें, ताकि ये मैसेज निकालें कि देखिए मैं भी युवा हूँ और मेरे पास भी कांटेक्ट नेता दूसरा मतलब हाँ लोजपा में भी है और चिराग पासवान नेता हाँ है। और ये तो है ना कि आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, तो कहीं ना कहीं छोटी पार्टी रहते हुए भी बड़ी शक्ति जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले दिखाना चाहते हैं, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले हाई रहे, ये है। तो बैठक लगातार हो रही है, इस बैठक से के सांसदों के टूट को लेकर आनंद फानन वाली जो बैठक होती टूट रहे हैं तो मीटिंग हो रही है, उस तरीके का उस फ्लेवर का ये सब बैठक नहीं हो रहा, बैठक बेसिकली 28 नवंबर को जरैली होनी है उसको लेकर था। देखिए यही पूरी कहानी है लोजपा के अंदर में, जो टूट वाली खबर है वो सिर्फ एक अफवाह है, प्लान की गई खबर है जो कि चिराग पासवान को अस्थिर करने के लिए थी। चिराग पासवान जब दिल्ली से लौटे तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हर बार एक ही जैसे हालात नहीं होते हैं, लोजपा पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उनकी पार्टी लगातार जो है ये बयान दे रही है। दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, वो पार्टी में टूट की संभावनाओं पर कह रही है कि टूट निश्चित है, और बीजेपी के साथ जो भी रहता है बीजेपी उसका हाल ऐसे ही करती है, यानी कि पार्टी को तोड़ देती है। चिराग पासवान को जब पहली बार तोड़ा गया तब भी बीजेपी साथ में थी, मुकेश सहनी को जब तोड़ा गया तब भी बीजेपी साथ में थी, और इसी तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। हालांकि लोजपा रामविलास जो है वो एकजुट है, यूनाइट संगठित है, और टूट की कोई संभावना पार्टी के अंदर नहीं है फिलहाल, ऐसी खबरें जो हैं या ऐसी बातें जो हैं बड़े नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फाउंडेशन, नमस्कार।